हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये चमकता हुआ मीठा सा ब्रेड जिसे कहते हैं सिनेमन रोल। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट और उसमें डालेंगे हम गुनगुना पानी ताकि हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो सके। मेरी जो भी ब्रेड वाली रेसिपी है उसमें मैंने हमेशा आप लोगों को यही बताया है कि ईस्ट को पहले ही एक्टिवेट करें ताकि कभी ऐसा होता है कि हमारा ईस्ट रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि हमारा ईस्ट ख़राब हो जाए और हम उसको आटे में गूंद लें डायरेक्ट बिना उसको एक्टिवेट किए और आपका आटा फूले ना और फिर आपको लगेगा कि रेसिपी हमारी ख़राब हो गई है। तो इसलिए हमेशा ईस्ट को पहले गुनगुने पानी या गुनगुने दूध, जैसी मतलब रेसिपी में ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप दूध के साथ या पानी के साथ इसको एक्टिवेट करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका ईस्ट ठीक है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखूँगी और तब तक हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। ये कप है मेरा 240 ml का, 1 कप, और अगर आप ग्राम में जानना चाहें तो 120-125 ग्राम है इसमें मैदा। 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं घी। और हमारा ईस्ट भी एक्टिवेट हो चुका है और इसको भी मैं मिलाऊंगी इस आटे में। और इसको हमें उंगली से गूंदते हुए, सॉफ्ट आटा गूंदना है, इसको आप हथेली से ज़्यादा ना मसले। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क, ये नॉर्मल मिल्क है, ना गर्म है गुनगुना और ना ही एकदम फ्रिज का ठंडा है। आप चाहें तो इस आटे को पानी से भी गूंद सकते हैं, पर ब्रेड की जो भी मीठी रेसिपी होती है आटे से गूंदने से उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दूध से इसका आटा गूंदा है। तो ये देखिए यहाँ पे 1/4 कप भी हाफ ही लगा है मेरा, 1/4 का हाफ। इतने में ही हमारा जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए हमारा आटा हमें सिर्फ इसी तरीके से अभी फ़िलहाल मिक्स करना है कि ये आपस में सारा मैदा जो है ये सब इसमें मिक्स हो गया है। यहाँ मैंने ली है एक प्लेट, अगर आपके किचन का प्लेटफॉर्म स्मूथ है तो आप किचन का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आटा रख के अब हमें आटे को अच्छे से मसलना है और उसको मसल के हमें चिकना कर देना है। ब्रेड की रेसिपी में आटे को मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही तरीके से मसलना वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हमें इस पे प्रेशर नहीं देना है, इसको हम जितना ज़्यादा स्मूथ करेंगे स्ट्रेच करके हमारे ब्रेड की या ब्रेड से जो भी हमारी रेसिपी बनी होती है वो उतनी सॉफ्ट और उतनी जालीदार बनती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आटा चिपक रहा है, अगर गलती से थोड़ा गीला हो गया हो, तो आप प्लेट में थोड़ी थोड़ी देर पे तेल ऐसे लगा लें और उसके बाद इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए एक स्मूथ आटा गूंद लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब आटा बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है गूंद के, तो आप इसको प्लेट में कितना भी मसलेंगे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ना ही हाथ में चिपकेगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। इसको इस तरीके से बीच में लाला के मैं इसको रोल कर दूंगी और जिस बर्तन में हम इसको रखेंगे उसको भी मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा के इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फूलने के लिए रखूँगी। यहाँ ये थोड़ा ही आटा है तो हो सकता है ये जल्दी फूल जाए, गर्मी के मौसम में ये जल्दी फूल के डबल हो जाता है 1 से 1.5 घंटे में,
पर अगर ठंड का मौसम होगा तो ठंड के मौसम में ये 2 से 2.5 घंटा ले लेता है फूल के डबल होने में। तो इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक के रखती हूँ, उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1.5 घंटे में हमारा जो आटा है वो फूल के डबल हो चुका है। तो इसकी हम सबसे पहले निकालेंगे हवा और इसको अब हमें बेलना है। आपके पास अगर कुछ बड़ा वुडन का पीस हो, लकड़ी का, या आपका प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो आप उस पर इस डो को बेल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रे लिया है जिसको मैंने उल्टा किया है। इस पर मैं छिड़कूंगी थोड़ा सा मैदा ताकि हमारा आटा इस पर चिपके ना। और इसको अब हमें रेक्टेंगल शेप में बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना दें। हर तरफ से बेल के इसको बराबर कर लें ताकि वेस्ट कम निकले। ये देखिए मैंने इसको कितना मोटा और कितना पतला बेला है। इस पे अब हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। इसके बदले आप यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे पे हमें यहाँ बटर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। दूसरा यहाँ पे मैंने ली है ये दालचीनी का पाउडर। सिंपल छोटा वाला जो जार होता है मिक्सी का, उसमें मैंने दालचीनी को, जो उसकी स्टिक्स हैं उनको पीस लिया था और पीस के उसका पाउडर बना लिया है। यहाँ मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच लिया है दालचीनी का पाउडर। इसमें आप मिला सकते हैं ब्राउन शुगर, वाइट शुगर या फिर गुड़ का पाउडर। तो मैं यहाँ पे मिलाने वाली हूँ वाइट शुगर, जो घर में नॉर्मली यूज़ होती है। और आप इसको ध्यान दें कि ये जो वाइट शुगर है ये थोड़ी मोटी होती है दाने में, इसलिए मैंने इसको हल्का सा 1-2 बार पल्स में करके इसको पीस लिया है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक पाउडर ना बनाए, इसलिए हल्का सा इसको दरदरा ही रहने दें। और यहाँ मैंने मिलाया है 2.5 से 3 चम्मच ये कैस्टर शुगर, दरदरी चीनी बारीक। इसको हम करेंगे इस तरीके से मिक्स। और इसको हमें, हमने जो ये डो बेला है उस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। गुड़ का पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है सिनेमन रोल में। अगर हम इसमें बटर नहीं लगाते तो हमारा ये चीनी और सिनेमन का पाउडर जो है वो इसमें अच्छे से चिपकता नहीं, तो इसीलिए हम इसमें बटर लगाते हैं। और फिर इसको हम हाथ से करेंगे स्प्रेड अच्छे से हर तरफ। और इसको अब हम करेंगे एक साइड से स्टार्ट रोल करना। कोशिश करें कि बहुत पास पास से आप टाइट रोल करें इसको। और ये जो एंड है इसका, इसमें हम लगाएंगे हल्का सा पानी ताकि बेक होते टाइम ये फूल के खुले ना। और इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे हमारे डो में। अब इसको हम करेंगे पीसेस में कट।
बहुत ज़्यादा पास में भी कट ना करें और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। और इनको उठा के यहाँ मैं रखूँगी इस बेकिंग प्लेट में, हल्का सा इनको इस तरीके से ये रोल शेप दे दे। बहुत ज़्यादा इनको पास पास में नहीं रखना है, क्योंकि इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी देर और प्रूफ होने के लिए रखेंगे, तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और दूसरा, बेक होने के बाद भी इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सारे सिनेमन रोल्स को हम इस ट्रे में रख लेंगे। इसको अब मैं 15 से 20 मिनट के लिए सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखूँगी, ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रखा है 200 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए, और ओवन प्री हीट हो चुका है। इसको भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है जैसा मैंने उस टाइम रखा था। तो इसको अब मैं बेक करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए सेम टेम्परेचर 200 डिग्री पे। पर सबके ओवन का टेम्परेचर बेकिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बेक करना है, और उसके बाद आप अपने टेम्परेचर देखें अपने ओवन की, कि आपके जो रोल्स हैं सिनेमन रोल्स हैं वो थोड़ा सा कलर्ड हुए हैं कि नहीं। इसमें हल्का सा ब्राउन कलर ऊपर आ जाएगा, तो आपको तब तक इसको बेक करना है। भले आपका अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले रहा है ओवन, मान लीजिए मेरा 20 मिनट में या 25 मिनट में हो गया, आपका ओवन हो सकता है 30 मिनट ले ले। साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार किसी किसी ओवन के फंक्शन भी अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर टाइमिंग जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अब मैं बेक होने के लिए रखूँगी 20 मिनट के लिए 200 डिग्री पे। तो ये देखिए 15 मिनट में जो सिनेमन रोल है वो हमारे बेक हो चुके हैं अच्छे से, और इस तरीके से इस पर हल्का कलर आना चाहिए। और अभी ये बहुत गर्म है, तो इसको हम ना इस पे से उठा के रखेंगे जाली वाले रैक पे, क्योंकि ब्रेड का जो भी आइटम है वो अगर गरम गरम हम इस बेकिंग पेपर पे भी रहने देंगे तो वो नीचे से सील जाते हैं। तो उसको रखेंगे हम जाली वाले रैक पे, और उसके बाद हम इस पे करेंगे डेकोरेशन। बहुत सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है ये। और सिनेमन रोल को सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, इससे सिनेमन रोल का जो टेस्ट है वो यूं कह लीजिए कि डबल हो जाता है। इसको आप पहले से डाल के मत रखिएगा, वरना आपका जो सिनेमन रोल है ये सॉगी हो जाता है, काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट और सीला हुआ सा। तो इसको हमेशा सर्व करते टाइम ही डालें और फिर आप सर्व करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, जब भी ये सिनेमन रोल ट्राई करें तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।